हेलो एवरीवन, वन माई सेल्फ खान नगमा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थ्री पॉइंट सिक्स दैट इज फाइव लिटिल सीड्स डू यू ऑल नो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सीड्स बेटा क्या आप जानते हो सीड्स का मीन क्या होता है बताओ मुझे येस वेरी गुड सीड्स का मीन होता है बीज ओके सो लेट स्टार्ट लिसन एंड रिसाइड द पोयम विथ एक्शन अब ये जो स्टूडेंट्स आपको ये जो पोयम का फर्स्ट स्टैंडजा है आई विल रीड देन आई विल एक्सप्लेन यू पोयम ये फर्स्ट स्टैंडजा मैं रीड करने के बाद आपको ये एक्सप्लेन करूँगी ओके फाइव लिटिल सीड्स फाइव लिटिल सीड्स थ्री विल मेक फ्लावर्स एंड टू विल मेक वीड्स अब स्टूडेंट्स सीड्स क्या होता है बताओ मुझे सीड्स का मेन होता है बीज जैसे हम कोई भी प्लांट उगाते हैं ओके या कुछ भी हम उगाना चाहते हैं तो हम एक गमले में एक उसी प्लांट के बीज को डालेंगे ओके जिस सीड में से वो प्लांट उगेगा फाइव लिटिल सीड्स हैं जिसमें से जो थ्री सीड्स हैं वो क्या होंगे वो फ्लावर्स बनेंगे और जो टू सीड्स हैं वो वीट्स बनेंगे अभी स्टूडेंट्स वीट्स क्या होता है बताओ मुझे येस वेरी गुड वीट्स वो होता है जिसमें फ्लावर्स नहीं रखते जिनमें सिर्फ लीव्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वीट्स कहते हैं ओके स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर अब आप बेटा आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना ये क्या है ये सीड है ये देखो यहाँ पर एक बीज दिखाई दे रहा है आपको जैसे हम कोई भी प्लांट उगाते हैं या कुछ भी हम उगाना चाहते हैं तो हम ये गमले में एक उसी प्लांट के बीज को डालेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक सनफ्लावर का प्लांट लगाना चाहते हो तो बेटा आपको इसमें कौन से सीड डालने होंगे बताओ मुझे ये टेल मी वेरी गुड आपको सनफ्लावर के बीज को डालने होंगे ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर जो हमको प्लांट्स लगानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको क्या करना होगा आपको देखो ये सॉइल दिख रही है ना मिट्टी तो उसमें आपको क्या डालना है आप जैसे कि कोई भी प्लांट लगा रहे हो तो आपको जो आप प्लांट लगाना चाहते हो तो आपको वही प्लांट की सीड्स डालना है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी आप जैसे कि सनफ्लावर का प्लांट लगाना चाहते हो और कोई भी फ्लावर हो गया तो आपको वही सनफ्लावर के सनफ्लावर का प्लांट आपको उसके ही सीड डालने हैं ओके अभी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना देखो फर्स्ट जैसे कि हमने सीड्स डाला तो देखो कितना छोटा प्लांट फिर तो इसके बाद ऐसा स्लोली स्लोली क्या हो रहा है वो धीरे धीरे हमारा प्लांट डेली ग्रो होगा ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो चिल्ड्रन्स है ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं ये प्लांट लगा रहे हैं ओके तो हमें भी बेटा इसी तरह क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको भी प्लांट्स लगानी चाहिए ओके अब मुझे स्टूडेंट्स आप बताओ कि प्लांट्स लगाने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है बताओ मुझे येस वेरी गुड प्लांट्स लगाने से हमको ऑक्सीजन मिलता है और सेकेंड हमको फ्रेश एयर मिलती है तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए स्टूडेंट्स हमको प्लांट लगाने चाहिए ओके स्टूडेंट्स नाट यू हैव टू सी सेकंड स्टैंडजा अंडर द लीव्स अंडर द स्नो फाइव लिटिल सीड्स आर वेटिंग टू ग्रो अंडर द लीव्स अंडर द स्नो का मीन्स जैसा भी मौसम हो यहाँ पर मौसम बताया गया है कि चाहे स्नो फॉल हो बर्फ हो जो सीड्स है वो ग्रो होने का वेट करती है ओके okay, स्टूडेंट्स ना यू हैव टू सी थर्ड स्टैंडा आउट कम्स द सन डाउन कम्स और शावर एंड अप कम द थ्री प्रेटीपिक फ्लावर्स अब स्टूडेंट्स बारिश होती है और सूरज भी आता है और फिर जो प्लांट है जो सीड है जो हमने उगाया है वो उगता है आपको पता है कि जो पौधे हम उगाते हैं वो सन लाइट यानी सूरज की रोशनी से उगते हैं ओके okay? और बारिश से भी उगते हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो एक प्लांट को मिलनी चाहिए उगने के लिए ओके स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर बेटा भी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना कि जब बारिश होती है और सूरज भी आता है और फिर जो प्लांट है जो सीड है जो हमने उगाया है वो उगता है आपको पता है कि जो पौधे हम उगाते हैं वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से उगते हैं और बारिश से भी उगते हैं ओके ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो एक प्लांट को मिलनी चाहिए ओके स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर बेटा अब ये पिक्चर में आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ना कि प्लांट लगाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं ओके कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं सबसे पहले आप आपको सॉइल लेना होगा मिट्टी जिसे हम कहते हैं ओके उसके बाद वाटर भी ज़रूरी है सनलाइट सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है और एयर ये चारों चीज़ें हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंस नाउ यू हैव टू सी फोर्थ comes आउटकम्स द सन दैट एवरी प्लांट नीड्स एंड come टू फनी ओल्ड weeds स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि हर प्लांट को धूप भी मिलनी चाहिए और पानी भी मिलना चाहिए ओके और जब उसको पानी और सनलाइट की जो किरणें मिलती हैं तो ये उग जाती हैं और उनमें वीड्स भी उग जाते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एंड सी लीव्स फ्लावर्स सीड्स शावर वेट्स प्लांट प्रीटी वेटिंग ओके स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू सी नेक्स्ट पेज लुक एट द पिक्चर बिलो नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपको प्लांट दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ओके अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिया है उनमें प्लांट्स के नेम लिखे हैं ओके okay, तो आइए हम रीड करते हैं बर्ड लीफ फ्लावर फ्रूट स्टाम रूट सीड्स स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो प्लांट के नेम वो बॉक्स में दिए हुए हैं उनको हमने वाइज़ सेट किया है ओके okay? अब आपको इनको नंबर वाइज क्या करना है अरेंज करके बॉक्स में फिल करना है ओके okay? अब नंबर वन में बर्ड नंबर टू लीफ नंबर थ्री फ्लावर नंबर फोर फ्रूट नंबर फाइव स्टाम नंबर सिक्स रूट एंड नंबर सेवन सीड्स स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस पिक्चर अब बेटा आप ये पिक्चर में मुझे बताएंगे कि वेर इज़ अ बर्ड आप मुझे बताओ बर्ड कहाँ है बताओ मुझे यस वेरी गुड तो नंबर वन में आपको क्या लिखना है बर्ड लिखना है ओके okay? अब नंबर टू लीफ वेर इज लीफ यस यस वेरी गुड तो नंबर टू में बेटा आपको क्या लिखना है लीफ लिखना है ओके नंबर थ्री फ्लावर वेर इज अ फ्लावर बेटा फ्लावर को फाइंड करो येस वेरी गुड तो नंबर थ्री में आपको क्या लिखना है फ्लावर लिखना है ओके okay? नंबर फोर फ्रूट वेट इज द फ्रूट येस फ्रूट फ्रूट को फाइंड करो वेरी गुड तो नंबर फोर पे आपको क्या लिखना है फ्रूट नंबर फाइव स्टाम वेट इज़ स्टाम स्टूडेंट फाइंड करो येस वेरी गुड तो नंबर फाइव में आपको क्या लिखना है स्टाम लिखना है ओके okay? नंबर सिक्स रूट स्टूडेंट्स वेर इज़ द रूट बेटा रूट को फाइंड करो येस गुड तो नंबर सिक्स में आपको क्या लिखना है रूट लिखना है ओके और नंबर सेवन आपका क्या है सीड्स तो वेर इज सीड्स बेटा फाइंड करो सीट कहाँ है येस वेरी गुड तो नंबर सेवन में आपको क्या लिखना है सीड्स लिखना है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू सी सेकेंड क्वेश्चन दैट इज वर्ड्स सीड वीड

ड और नीड की स्पेलिंग एन डबल ए डी नीड ये स्पेलिंग होती है जिनमें दो बार क्या रहा आ रहा है स्टूडेंट्स ई आ रहा है ओके और आपको ऐसे ही कोई वर्ड्स बताना है जिनमें दो बार ई आता है जैसे कि सीड फील पील ओके स्टूडेंट्स आई होप कि पोयम आपको समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक like करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ओके गुड बाय